अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनाने वाले हैं खीमे के कोफ्ते। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये 500 ग्राम मैंने खीमा लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल ड्राई कर लिया है चलनी में रख के। इसको मैंने छान लिया था, देखा इतना महीन खीमा है, मशीन का खीमा है। जितना हो सके उतना बारीक खीमा हो तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये मैंने अच्छे से दबा के इसका सारा पानी सुखा लिया, इसको ड्राई कर लिया है। तो इसमें हम डालने वाले हैं, ये देखिए मैंने एक मुट्ठी पुदीना लिया है और कोथमीर दोनों को कटिंग कर लिया है। ये इसमें जाने वाला है, सूखे मसाले हैं एक चम्मच, कीमे के हिसाब से नमक है, धनिया पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी पाउडर है और एक चम्मच गरम मसाला है और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये कुटा हुआ भुना हुआ जीरा। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। कोथमीर भी डाल देंगे, पुदीना भी डाल देंगे, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सारे गरम जो हमारे सूखे मसाले और लहसुन अदरक भी हम इसी में डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए फ्रेंड देखिए, ये मैंने कोफ्ते बना के रखे हैं, इसके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था मैंने, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा आपको बताने के लिए। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कीमा लेंगे और इस तरीके से हम गोल गोल करके इसके अच्छे बड़े बड़े कोफ्ते बना लेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कीमा बीफ का हो तो इसमें कचरी पाउडर या पपीते का पेस्ट या टेंडराइजर ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मटन के हैं तो ये तो गल जाएंगे, मगर वो ज़रा सख्त गोश्त होता है इसके लिए वो नहीं गलते हैं। इस तरीके से आप सारे बना के इसको रख देना। अगर गर्मी हो तो फ्रिज में रख दो बस इतनी देर के हमारे मसाला तैयार हो। इसको मैं आपको बता देती हूँ दूसरे मसाले भी जो इसकी ग्रेवी बनने वाली है। ये देखिए, ये है 2 टेबलस्पून खसखस और 4 से 5 हरी मिर्ची और 2 ही चम्मच मैंने सूखे चने, भुने हुए चने जो आते हैं वो लिए। ये देखिए इसका हम तीनों को हमको इसको पेस्ट बनाना है मसाले के लिए है। और ये मेरी तली हुई प्याज है, क्योंकि चने और खसखस एकदम गाढ़ा ग्रेवी बना देंगे इसलिए प्याज कम ही लेना है। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून प्याज ली है और ये दही है 4 टेबलस्पून, ये दही है और ये सूखे मसाले हैं। ये 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 2 ही धनिया है, स्वाद के अनुसार नमक है। कोफ्तों के अंदर मैंने सॉरी हल्दी बोल दी थी, वो मैंने हल्दी उसमें नहीं डाली, उसमें मैंने मिर्ची डाली है। तो चलिए हम इसकी मसाले की तैयारी करते हैं। चलिए कोफ्ते का मसाला हम भून लेते हैं। 2 चम्मच ऑयल मैंने लिया है, ये अच्छे से गर्म हो गया है। एक गर्म मसाला हम डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच जीरा है, 3-4 लौंग है, 8-10 काली मिर्ची है, 2 हरी इलायची है और 1 स्टार फूल है। मसाला हम इसमें डाल देंगे। जैसे हमारा मसाला तड़क जाता है, एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि मैंने कोफ्तों के अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट दूसरा नहीं डाला बाइंडिंग के लिए, सिर्फ इसी की मसाले में देखना बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल भी हटेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। कीमे और लहसुन अदरक डाल देंगे, ना मैंने चने का आटा डाला है, ना मैदा है, ना अंडा है, सिर्फ मैंने ना प्याज डाली है पीस के, सिर्फ कीमा और मसाले हैं। इसका अपना खुद का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पुदीने में। ये हमारा लहसुन अदरक हो गया है, अब इस मसाले में हम पानी डाल के डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, क्योंकि हमने प्याज, हरी मिर्ची, खसखस और चने जो पीसे हैं वो हम बाद में डालेंगे। पहले हम इसमें इसको भून के इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको 2 से 3 मिनट भुनेंगे और इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिए एक 2 से 3 मिनट भून लेते हैं, फिर इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। चलिए देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बंदे गोसी जहाँ तक हो सके मोटे और बड़े, मतलब मोटे पंदे केंदे का ही बर्तन लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते इसमें चेटेंगे नहीं। चले हम डाल देते हैं सारे कोफ्ते जो हमने बनाए हैं, एक एक करके हम इसमें सारे डाल देंगे।
मोटे तले का बर्तन होगा तो हमारे बर्तन, हमारे कोफ्ते चेटेंगे नहीं, क्योंकि ये इसी में गलेंगे, इसमें ये पानी छोड़ देंगे और इसी में ये गल भी जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये देखिए सारे कोफ्ते हमने अच्छी तरीके से डाल दिए हैं। इसको हम कवर कर लेंगे और इस तरीके से इसको हम हिलाएंगे। अभी 5 मिनट तो हम इसको हिलाएंगे भी नहीं, सिर्फ कवर करके रख देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, चलिए 5 मिनट हो चुके हैं हमारे कोफ्तों को। ये देखिए कितना पानी छोड़ा है इन्होंने, ये इसी पानी में ये गल भी जाएंगे। इस टाइम में हम इसको चम्मच नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस तरीके से हिला देंगे। ये देखिए बस इस तरीके से हिला के इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे, वापस कवर करके रख देंगे। चलिए देखिए पानी ड्राई हो गया है, देखिए सारा अच्छे से सूख गया है पानी, इससे रखता हम इसमें। ये देखिए चम्मच हिला रहे हैं, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं, क्योंकि इसी के पानी में ये गल चुके हैं। केसर भी कितना भी हिला लो अब ये नहीं टूटेंगे, और इसका पानी भी सब टूट गया, मसाले में तेल छोड़ दिया है। मैं आपको एक बता देती बहुत गर्म है, ये देखिए अच्छे से गल भी चुके हैं। अब इस वक्त इसमें मसाले डालेंगे। मसाले हमने इसलिए बाद में डाल देंगे, खसखस और ये चने जो रहते हैं ये आपस में नीचे चेटने लग जाते हैं, तो इसी वक्त इसमें हम दही भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मसाला और दही के साथ पक के बहुत ही बढ़िया डिश बनेगी, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। देखिए आप इस तरीके से ज़रूर बनाएगा, बस इतना कोशिश करें कि कीमा बिल्कुल महीन होना चाहिए। अब इसको हम कवर कर देंगे, ये 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि सारा मसाला हमारे कोफ्तों में जज्ब हो जाए, उसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए देखिए अच्छा सा मसाला हमारा भून गया है। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ग्रेवी में अच्छी तरीके से हमारे कोफ्ते एक जैसे हो गए हैं। अब इस वक्त हम सूप कर देंगे जितना हमें चाहिए। 1 गिलास पानी डालूंगी, थोड़ा बचा लेती हूँ, देखती हूँ। ये देखिए जितनी हमको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेंगे, ना ज़्यादा ठीक चाहिए ना ज़्यादा पतली होना चाहिए। इसको ज़रा धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि ये चने रहते हैं, थोड़ा सा और पानी डालेंगे तरी फिर पी सकती है। अब इस वक्त हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे, इसको बॉईल आने देंगे हम। इसके हाथ से हिला देंगे, बस ये हमारे कोफ्ते बनके तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बस इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए, और फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं। चलिए दोस्तों ये देखिए हमारे ग्रेवी वाले कोफ्ते बनके तैयार है, बहुत ही लजीज और टेस्टी बने। आप भी इस डिश को ज़रूर बनाएगा। मेरी डिश आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।